90 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर 11 लोकसभा क्षेत्र बने हैं सीट्स, उसमें कल सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। ये 27 मतगणना केंद्र जो हैं काउंटिंग सेंटर्स प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्थापित हैं। इसमें कुल 5184 मतगणना कर्मी और 1300 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। ये हैं केवल काउंटिंग के लिए। बैकग्राउंड में लगभग और 6000 के आसपास लोग ड्यूटी पे हैं, सिक्योरिटी और अन्य प्रासंगिक प्रबंधकीय व्यवस्थाओं में। कुल मिलाकर लगभग 11 से 12 हजार या उससे थोड़ा सा ज्यादा लोग इस पूरे प्रोसेस में लगे हैं। 27 जिलों के जो स्थापित मतगणना केंद्र की जानकारी आपको पूरी लिस्ट 27 जिलेवार आपको हैंडआउट में दिया गया है, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। लोकसभा निर्वाचन 2019 में छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचन कर्मियों को जो पोस्टल बैलेट जारी किए गए थे उसका संख्या है 41,197। इनमें से 22,901 प्राप्त हुए हैं, अर्थात लगभग 55% प्राप्त हुए हैं। पंजीकृत सर्विस मतदाताओं को जो ईटीपीबीएस के माध्यम से ऑनलाइन पोस्टल बैलेट भेजे गए थे उनकी संख्या 17,223। आज दिनांक तक 10,803 ईटीपीबीएस प्राप्त हो गया है, जो कि लगभग 60% के आसपास है। प्रत्येक मतगणना हॉल में लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभावार ईवीएम की गणना हेतु 7-7 टेबल्स अर्थात कुल 14 टेबल्स आमतौर पर लोकसभा के सभी जो इकाई विधानसभा इकाई है उसमें 14 टेबल्स लगे हुए हैं, और लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा डाक मतपत्रों के पृथक गणना टेबल लगाई गई है जहां पर पृथक से डाक मतपत्रों की गिनती होगी। लेकिन साथ में मैं बता दूं कि आमतौर पर अगर 14 टेबल की व्यवस्था है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार गणना के लिए, कुछ जगह संख्या अधिक होने के कारण इस बार हमने विशेष परमिशन भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त किया है तथा वहां पर 21 टेबल का सिलसिला लगा हुआ है। अतिरिक्त मतदान केंद्र अधिक होने के कारण जिन विधानसभा क्षेत्रों में 21 टेबल लगाए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: कबीरधाम जिले में 71 पंडरिया, 72 कवर्धा, रायगढ़ जिले में 16 रायगढ़ और 17 सारंगढ़, 18 खरसिया, बलौदाबाजार भाटापारा जिले में 43 बिलाईगढ़ एवं 44 खसडोल तथा 45 बलौदाबाजार। तो इस प्रकार कुल 3 जिलों में 8 विधानसभा क्षेत्रों में 14 के स्थान पर 21 टेबल ईवीएम गणना के लिए लगाई गई है। प्रत्येक मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों और गणना एजेंटों के लिए पृथक प्रवेश द्वार होंगे तथा रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं गणना में लगे कर्मचारियों के लिए भी पृथक प्रवेश द्वार होगा। मतगणना हॉल में गणना मेज लोहे की जाली से सुरक्षित होंगे। इस गणना मेजों में से एक मेज बैंक कैशियर काउंटर की तरह होगी, जिसमें गणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए खुली रखी जाएगी। प्रत्येक जिले में मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी, 3-tier सिक्योरिटी कॉर्डन होगा। यहां प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जांच उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। गणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि पर पैदल यात्री क्षेत्र के रूप में निर्धारित है, यहां यह जो है बाहरी घेरा कहलाएगा। द्वितीय घेरा गणना परिसर के द्वार पर होगा तथा विशेष सुरक्षा बल के प्रभाव में होगा। तृतीय घेरा जो इनर मोस्ट है वो गणना हॉल के द्वार पर होगा तथा यह सीपीएफ सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस यहां पर तैनात होंगे। वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मोबाइल अथवा अन्य निषिद्ध सामग्रियों के साथ प्रवेश न कर पाए। रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों को मतगणना उपरांत विवरणी तैयार करने के मतगणना पश्चात प्रेक्षक की सहमति से परिणाम की घोषणा करेगा एवं रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण पत्र तत्काल प्रदान करेगा।